साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने तहरीक इंसाफ छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी है। कहते हैं नजरियाती वर्कर हूँ, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मेरे खिलाफ केस सियासी है। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने तहरीक इंसाफ छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी है। उनकी जानिब से कहा गया कि नजरियाती वर्कर हूँ, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मेरे खिलाफ केस सियासी है। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने तहरीक इंसाफ छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी है। उनकी जानिब से कहा गया कि नजरियाती वर्कर हूँ, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मेरे खिलाफ केस सियासी है। मैं एक नजरियाती वर्कर हूँ और गैर नजरियाती वर्कर जो है वो तो खुद पार्टी होता है, वो कैसे छोड़े, उसका पार्टी को उससे अलग कैसे कर सकते। अभी तक जमानत नहीं दायर की आपने, इसकी क्या वजह? इसलिए कि एक एक झूठे केस में, अगर एक केस में आप जमानत कराते हैं तो और नहीं, वो तो इसलिए नहीं हमने की जमानत जो है वो, चूँकि अभी इन्होंने चालान भी सबमिट नहीं किया और वो चालान सबमिट नहीं किया जी। साहब ये अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन भी शायद इन्होंने कम्प्लीट, क्योंकि मैं पीटीए का एक नजरियाती वर्कर हूँ।